हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खाओ पियो जियो में आपका स्वागत है। ये एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये है बकरा ईद स्पेशल। आज हम एक स्पेशल रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर एट बांद्रा एंड वी आर एट पर्शियन दरबार। वी हैव कम्प्लीटेड अफगान दरबार, देन वी हैव गॉन टू अरेबियन दरबार, नाउ इट्स टाइम फॉर पर्शियन दरबार। होटल की खासियत कैसे पता चलती है? एक तो वहाँ का खाना अच्छा होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, और होटल के बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है, अगर आप देख सकते हो तो समझ जाना यहाँ का खाना बहुत ही लजीज है। तो चलो, लेट्स गो टू पर्शियन दरबार एंड चेक आउट दी क्वालिटी ऑफ दी फूड। वी गॉट मोगलाई, चाइनीज, तंदूर, बहुत सारा कुछ खाने को है, तो जाते हैं पर्शियन दरबार में। वेलकम टू पर्शियन दरबार। Okay, so we got a new guest on our vlog today. This is Asif sir. Hello everyone. Assalamualaikum sir, welcome to the show. Assalam warahmatullahi wabarakatuh. So sir, कैसा लग रहा है आपको पर्शियन दरबार में? Well, this is my first time in Persian Darbar and even in Khao Piyo Jio. I have been watching their videos since the inception and it's been really amazing the work that they are doing, both the Khao Piyo Jio team and Asif sir itself. Their content, it's amazing, and the kind of food they show. So I was eager to, you know, be a part of this, and thank God Asif sir called me. I was in some other work, so I cancelled that and I came here today to see the royal welcome from Persian Darbar. So let's see if they live up to the expectations. Fried and dried. मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो भाई। नॉर्मली बहुत सारे रेस्टोरेंट में क्या होता है, चमड़ा ज़्यादा होता है और अंदर चिकन इतना सा होता है, इतना सा बट इसमें अच्छा खासा चिकन है और ऊपर का जो लेयर है ना, जो क्रिस्पीनेस वो आता है ना, जो मज़ा वो ऊपर की लेयर से आता है, एकदम क्रूरम क्रूरम आवाज़ आती है ना, तो वो मुझे बहुत मस्त लगता है। तो जबरदस्त, आई एम लविंग इट। शो के लिए
आपके साथ आपकी वाइफ है और उनको बहुत आप थोड़ा सेपरेट रखना चाहते हो तो उनको लिंकिंग रोड पे छोड़ देना चाहिए आपको। यहाँ पर 2-3 घंटे की आपको फुर्सत मिल जाएगी, आराम से आप यहाँ बैठ के अपने दोस्तों के साथ खा सकते हो जैसे मैंने किया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं। क्या बोलते हैं सर? वी गॉट द नेक्स्ट डिश, चिकन क्रिस्पी, माई फेवरेट। मैं स्टार्टर्स में मेरा फेवरेट क्रिस्पी है। तो सर आपने कभी खाया है क्रिस्पी वगैरह? पटेल रेस्टोरेंट हमारा भी फेवरेट है बेटी बाजार में, वहाँ की आइसक्रीम भी खास होती है और इसको बोलते क्रिस्पी। अगेन लिविंग अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन एज द वर्ड सेज एज द नेम इज क्रिस्पी चिकन। थैंक यू सो मच पर्सन दरबार टीममेट, बढ़िया है। अक्सर बकरा ईद के बाद मटन बहुत घर पे हो जाता है, फ्रिज में पानी से ज़्यादा जो है मटन भर के रखते हैं, तो मटन भी खाना चाहिए। लेकिन क्या एक ही चीज़ खाते रहोगे तो आपका जो मन भर जाएगा, तो पर्शियन दरबार में आके मटन भी खाना और साथ में ये चिकन क्रिस्पी ऑर्डर करना, स्टार्टर्स में ज़रूर लॉलीपॉप भी ऑर्डर करना। ओके गाइस, नाउ वी गॉट अवर जलंधरी चिकन, टेस्ट एक नंबर है क्योंकि पहले आके मैंने टेस्ट कर लिया है। एंड नॉर्मली मैं जो भी ब्लॉग डालता हूँ ना, पहले खुद ही टेस्ट करता हूँ देन ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको लगता रहेगा कि सबको अच्छा ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम पहले टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं। आप ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर है। दिस इज स्पेशल चीज नान सर। थैंक यू। ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं, मुंबई में बैठ के, फ्रॉम पंजाब, मुंबई में बैठ के जलंधर का चिकन टेस्ट कर रहा हूँ। मैं जलंधर तो कभी गया नहीं, पर मुंबई में ऐसा कभी टेस्ट नहीं खाया। वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अगर आप दो लोग आ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप चार लोग आओ, दो लोग मत आओ, क्योंकि यहाँ पर जो एक डिश है ना वो चार या पांच लोगों के लिए सफिशिएंट होती है। क्योंकि अगर कुछ बड़े होटल में अगर आपको आना है तो साथ में कुछ हो तो मस्त इन्जॉयमेंट भी होता है एक दूसरे, तो ये ऐसा 2% का होटल नहीं है अंटिल एंड अनलेस आप कुछ कैंडल लाइट डिनर वगैरह कर रहे हो। हाँ, तो वी गॉट एन एडवाइस फ्रॉम माई वाइफ, सीधी अगर बच जाता है तो आप पार्सल क्यों नहीं ले लेते। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि घर पे पार्सल लेके आया करो। मेरे ख्याल से 7-8 डेज ही हुआ था मैंने ये लास्ट टाइम यहाँ आके खाया था, टेस्ट अभी भी दिमाग में है और दिमाग में है, जबान पे है और पेट में है। ओके, बाकी आपको नहीं बता सकता कहाँ है। तो चलो टेस्ट करते हैं। क्या बात है, इसका जो ग्रेवी है ना ऐसा यूनिक टेस्ट आ रहा है, क्या मसाले यूज कर आई डोंट नो, लेकिन टेस्ट जबरदस्त है। और साथ में ये रोटी का क्रंची, हाँ क्रंचीनेस और इसका जो ग्रेवीनेस दोनों को मिक्स करके जो टेस्ट आ रहा है, वाह, आपको कोई अलग ही दुनिया में लेके चले जाएगा। इट लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ, जिंदगी में कुछ यादें रह जाती है ऐसा इसका टेस्ट रह जाएगा हमारे दिमाग में। पर्शियन दरबार में आके जलंधर चिकन जरूर खाना। आज के मेहमान आप तो जानते हैं आसिफ सर, तो वही रिव्यू देंगे। सर टेस्ट करके बताइए कैसा है। जरूर जरूर। ऑथेंटिक, एकदम ऑथेंटिक खपसा जैसा लग रहा है। जो ग्रिल चिकन इसके साथ मिक्स करके जो खाने में जो टेस्ट है, जैसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वैसी ये हमारे लिए सोना है, ये खाना सुहागा है। तो सोने के ऊपर सुहागा डाल के हम खा लें अच्छे से। 4.2 out of 5। हफ्ते में आप हाफ और फुल दोनों मंगा सकते हो, तो अगर आप हाफ ऑर्डर करते हो तो चार जो है इंसान लोग खा सकते हैं, अगर हैवान लोग हैं तो आपको जो है फुल मंगाना पड़ेगा। एंड दिस इज बखलावा ऑल द वे फ्रॉम टर्की। चलो टेस्ट करते हैं। ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसमें पूरा पिस्ता मिक्स है, एंड दिस इज सम व्हाट यू कॉल अ बेक खारी जो आप खाते हो। चलो इसको टेस्ट करते हैं। एंड लॉट्स ऑफ पिस्ता यहाँ पर चिप्स है पिस्ता के, इफ़ यू कैन फोकस ऑन दिस। चलो टेस्ट करते हैं। चलो टेस्ट करते हैं।
उसकी, जैसे कहा बाइट लेता हूँ तो पूरी सारी भूखी होती है एंड जो पिस्ता का फ्लेवर निकलता है अंदर से, काफ़ी यूनिक डिश है और पहली बार मैंने ट्राई किया। आई विल डेफिनेटली गिव इट 4.8 out of 5। सो डू कम टू दिस पर्शियन दरबार एंड ट्राई दिस हाउस बखलावा, आप बौखल जाओगे बखलावा खा के। ऑफ द मैनेजर ओवर हियर मिस्टर अमजद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो खाओ पियो जियो। तो सर आप बताएंगे कि ये पर्शियन दरबार कब आपने लॉन्च किया बांद्रा में? बांद्रा में लगभग 1976 से हमारा ब्रांच है। ओके, और अभी से ये चल रहा है। अच्छा, 1976 से। और यहाँ की स्पेशल डिशेस क्या क्या है? यहाँ के तंदूर कबाब से ज़्यादा स्पेशल डिशेज हैं सर। आन हमारा स्पेशल है, बिरयानी स्पेशल है हमारा। ओके, और ड्राई आइटम्स में भी कुछ डिशेज स्पेशल है हमारी। और डेजर्ट वगैरह में हम देखें बाहर कुछ ऐसा, टर्की का भी कुछ डेजर्ट है क्या आपके पास? मिठाई वगैरह? हाँ, बकलावा, बकलावा है। अच्छा, बकलावा भी है आपके पास। और फिरनी वगैरह भी है? फिरनी है जी, हाँ, डेजर्ट्स में। और यहाँ पर कोई सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं यहाँ पर? जी आते हैं, अभी पिछले हफ्ते जॉनी लियोन साहब आए थे। अच्छा अच्छा, वी गॉट श्रीकांत सर ओवर हियर। सर गुड आफ्टरनून, क्या खा रहे हो सर आप? बिरयानी। ओके, एंड हाउ इज द टेस्ट? टेस्ट इज टू गुड, प्रीमियम। ओके, आउट ऑफ 5 आप कितना दोगे इसको? 5। ओके, तो कब से आ रहे हो आप पर्शियन दरबार? लास्ट 5-10 years। ओके, थैंक यू सो मच। व्हेनेवर आई कम समक आई यूज्ड टू विजिट पर्शियन दरबार स्पेशल। ओके, सो दे हैव आई गेस ब्रांचेस इन कुर्ला एंड अंधेरी आल्सो, सो यू प्रेफर दिस वन ओनली? आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर ब्रांच इन पुणे बिकॉज़ आई एम स्पेशली फ्रॉम पुणे। ओके, दिस इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट। ओके, सो इफ द ओनर्स आर लिसनिंग, एक पुणे में ब्रांच चाहिए सर को, तो प्लीज तूने में जल्द से जल्द ब्रांच डाला जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या खा रहे हो सर आप? मटन बिरयानी। मटन बिरयानी, ओके, सो हाउ इज द टेस्ट? टेस्ट इज लाइक ऑलवेज लाइक परफेक्ट द वे आई लाइक इट। ओके, तो आप कितने सालों से यहां पर आ रहे हो? सिंस आई वाज 2 इयर्स ओल्ड माय पेरेंट्स यूज्ड टू ब्रिंग मी। सिंस 2 इयर्स ओल्ड? द वन आई वाज रेगुलर विद द बाइकल आउटलेट। ओके, द बाइकल द वन। ओके, गॉन टू बाइकल अबाउट यार, आई हैव बीन टू एवरी आउटलेट ऑफ आल्सो। या ओके, so you they should give you some membership and all. I wish they had so much.